गाइस तो भाई ऊपर से देखने में हमारा घर ऐसा लगता है बिग हाउस और प्लस में स्विमिंग पूल। तो गाइस अंदर से तो क्या पता कितना लाजवाब होगा ये। गाइस ये कम से कम मुझे लगता है एक तो गाइस तो भाई लोगों आज मैं शुरू करने वाला अपने चैनल पर माइनक्राफ्ट गेम की सीरीज। तो गाइस अगर अभी माइनक्राफ्ट गेम के फैन है तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं हर दिन एक ना एक वीडियो माइनक्राफ्ट गेम के ऊपर लॉन्च करूंगा। तो गाइस ये घर मेरा है पहले वाला घर है दोस्तों। दो मैंने दूसरा घर बनाया है वो मेरे बहुत दूर है यहाँ से। तो गाइस ये मेरा घर है यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड है दोस्तों। ये घर जो अंडरग्राउंड मैंने बनाया है मैंने कुछ ऐसी तरीके से इस घर को बना दिया था। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है पर ये घर बहुत अंदर तक है। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो कि ये गेम के ये घर कैसा है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि ये घर आपको कैसा लगा। यहाँ पर कुछ बेड वगैरह है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कि कमरा अंडरग्राउंड के अंदर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई रो कितनी ऊपर तक यह घर जाता है। तो गाइस आज इस घर को तो इतना ही देखते हैं। जो हमारा मेन मकसद है कि बड़े वाले घर को देखना। तो गाइस तो चलिए बड़े वाले घर की तरफ चलते हैं। ये घर जो मेरा अंडरग्राउंड घर है मैंने इसका पूरा निर्माण नहीं किया। तो गाइज अब हम चलते हैं हमारे नए वाले घर की तरफ। वो वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार है। तो गाइज चलते हैं उस घर की तरफ। तो गाइज वो वाला घर इधर है, हाँ वो रहा उस तरफ हमारा वो बड़ा वाला घर है। तो गाइज उसके अंदर आप हमें स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ से देख सकते हो कितना बड़ा हमारा वाला घर लग रहा है जैसे कि आप देख लो। तो गाइस यह है हमारा कुछ घर दूर से लुक लाइक देखने में। तो गाइस अंदर से भी हो काफ़ी गजब होगा। तो गाइस तो चलिए यार थोड़ा सा इसका दूर से लुक ले लेते हैं। अब जाते हैं हम इसके पास की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कितना बड़ा घर रहा हमारा यह वाला। तो देख लो गाइस तो यार बहुत मुझे तो बहुत बहुत बड़ा बिग लग रहा है। तो गाइस आप कमेंट करना कि आपको यह घर कैसा लग रहा है। यार कितना औसम लग रहा है। मुझे इस घर को बनाने में करीब से करीब 2 घंटे लग गए थे। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मैंने इस घर की तब जाकर ये घर बना। तो गाइज इस तरफ मैं अपना वाला जो मेरा मेन घर है उसका फॉर्मूला तैयार करूँगा जो नीचे की तरफ इसके पास में। तो गाइज यहाँ पर आप देख लो कि कितना बढ़िया ये घर है। तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है तो आप पढ़ सकते हो। तो एक्स कैंड यार जूम करना ही पड़ेगा मुझे। तो गाइज यार बताओ कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपना एक गाइज चैनल का नाम लिख रखा है। तो चलिए अब इसके अंदर की तरफ और देख लेते हैं इसके अंदर का नज़ारा। तो गाइज तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर आपको टिकट कटानी पड़ेगी इस घर को देखने के लिए। तो यहाँ पर यार कुछ भी हाउस एंड स्विमिंग पूल का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर आपको इस घर को बनाने वाले का नाम यानी सत्यवीर राजपूत मेरा नाम मिल जाए और ऊपर की तरफ से एंट्री द हाउस और SR गेमिंग हाउस सत्यवीर राजपूत आपको कुछ इस तरह से कुछ मिल जाएगा। और अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स वगैरह देख सकते हो कितना औसम लग रहा है। तो कमेंट करना कि आपको यह घर कैसा लगा दोस्तों। इस घर को मैं अभी और ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा। इसके ऊपर की तरफ मैं और यानी कि और कमरे बनाऊंगा। तो गाइज ये तो मैंने कुछ ऐसे ही एंड ट्राई करके इस घर को बनाया था कुछ इस तरह से। तो गाइज इधर अंदर चलते तो यहाँ पर फास्ट कमरा आता है जो ऊपर जाने का है। यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिल जाती हैं ऊपर जाने की। तो गाइज हम इसको बाद में दिखाएंगे। यहाँ से इसका नज़ारा औसम दिख रहा है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं आप ये और यहाँ पर आपको एक गेट मिल जाएगा। तो इस गेट को खोल के हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कांच वगैरह लगे हुए हैं। गाइस मैंने इसमें एक भी फर्नीचर अभी तक नहीं लगाया है। तो गाइस मैं जल्दी इस घर के अंदर फर्नीचर भी मंगवाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कमरा मिल जाता है जो मेरा पर्सनल बेडरूम होगा। तो गाइस यहाँ से मैं कुछ खिड़की वगैरह भी लगाऊँगा और टाइल्स अलग बिछाऊँगा। तो गाइस यह देख सकते हो आप घर का कमरा। तो गाइस अब चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर का भी नज़ारा देख लेते हैं कि यह घर ऊपर से कैसा लगता है, ऊपर कैसा क्या दिखता है। तो गाइस इस तरफ मैं किचन बनाऊंगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम और इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर से इसका नज़ारा कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ बिल्कुल स्लो मोशन में। तो चलिए चलते हैं स्लो मोशन की तरफ। तो गाइज ये देखिए कितना औसम लग रहा है यहाँ से ये घर। कमेंट करना भाई यहाँ से कांच वाला घर मुझे बहुत मस्त लगा। और यहाँ से आप नीचे चले जाएंगे। तो गाइज यार कांच वाला इधर से मुझे कांच बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। इधर आपको तो स्विमिंग पूल होगा वहाँ आ जाएगा। स्विमिंग पूल का जाने का रास्ता ऊपर से ही है। तो चलिए हम ऊपर से स्विमिंग पूल के अंदर जाएंगे। तो गाइज यहाँ से देखो औसम लग रहा है। तो चलिए गेट खोल लेते हैं। अरे यार गेट क्यों नहीं खुल रहा बाबा, क्या लॉक हो गया है क्या? अरे खुल जा।
अरे खुल जा रे, अरे सुम खुल जा वरना फोड़ डालूंगा साले को। अरे नहीं खुल रहा, चलो फिर फोड़ देते हैं। तो गाइस अब बाहर की तरफ आ गए दोस्तों। यहाँ पर मैं कुछ कमरे वगैरह बनाऊंगा। तो गाइस उसके मैंने अप्लाई कर दिया है कि मैंने किस तरह से इस पे कमरे वगैरह में बनाऊँ। तो गाइस यहाँ पर जो ऊपर जितना भी खाली जगह आपको दिख रहा है वहाँ पर सभी जगह मैं रूम्स बनाऊँगा। 4-5 रूम्स इसके ऊपर बनेंगे बहुत ही अच्छी तरीके। तो यहाँ से आपको स्विमिंग पूल में जाने का रास्ता मिल जाएगा। चलिए हम स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं। तो गाइज यहाँ से आ गए हम, और यहाँ से हम नज़ारा देख सकते हैं। और माय गॉड मैं ही मर गया। तो चलिए वापस ऊपर चले जाते हैं, और वापस चले जाते हैं यहाँ पर। तो गाइज वापस से चलते हैं, हम यहाँ से हम देख सकते हैं नज़ारे वगैरह। ओके तो गाइज अब चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं इसका स्विमिंग पूल कैसा है। तो चलिए हम नीचे चले चलते हैं। ओके ओके यहाँ से कांच वगैरह मिल जाएगा। तो बस मैंने इसको एक फॉर्मूला के, मैं जब सेकेंड इसका वीडियो लेके आऊँगा उसके अंदर हम इसको घर को बहुत ज़्यादा चमका देंगे, बहुत बहुत मस्त इस घर को कर देंगे हम। ओके यार 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 क्या यार क्या फोड़ दिया साले ने, कोई बात नहीं वापस लगा लेंगे। ओके तो गाइस यहाँ से मेरे को एक अंडरग्राउंड भी मैंने इसके अंदर बना रखा है, यानी कि पानी वो अंडर वाटर टैंक मैंने बना रखा है। तो चलिए मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ। तो बहुत ही गहरा है वो अंडर वाटर टैंक। यार इधर क्यों निकल रहा है बाहर, तो नीचे चलो। हाँ यहाँ आ रहा। तो आप शाम यहाँ पर आप जो आगे देख रहे हैं यहाँ से मैंने अंडर वाटर टैंक बना। चलिए मैं इसे एक बार चलो खोल देता हूँ। ओके तो अब हम चलते हैं अंडर वाटर टैंक के अंदर। ओ माई गॉड, तो गाइस देखिए यार कितना गहरा है ये। तो भाई कमेंट करना कि आपको ये वाला घर कैसा लगा। तो गाइस यहाँ से अंदर अंदर अंडर वाटर टैंक मैंने बना रखा है। यहाँ पर मैं एक अलग से एक रूम बनाऊंगा अंडर वाटर वाटर के नाम से। यहाँ पर जो आप खाली जगह देख रहे हैं यहाँ से मैं एक रूम बनाऊंगा। यहाँ पर सभी सारी की सारी जगह मैं एक रूम बनाने वाला हूँ, बड़ा रूम, बिग रूम होगा जो अंडरग्राउंड होगा। तो गाइस तो अब हम वापस चलते हैं, और अब मैं आपको इसका ऊपर से लुक दिखाऊंगी यार एक घर कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं ऊपर चला चलता हूँ जल्दी से। ओह माय गॉड, तो गाइस यार देखो कितना बड़ा घर रहा। कमेंट करना कि आपको ये घर ये वाला घर कैसा लगा यार, मैं इसमें क्या क्या चेंजेस करूँ जिससे ये जो मेरा वाला ये वाला घर रहा बहुत बड़ा दिखे, यानी कि बहुत औसम दिखे। तो गाइस मैंने इसके बाहर गेट वगैरह लगा दिया, तो इससे घर यार थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। आप कमेंट करना कि आपको यह वाला घर कैसा लगा। तो गाइस यार ऊपर से बहुत बिग लगता है, अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो अंधेरे में हमारा वाला घर गुम हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट सीरीज में इस घर में बहुत ज़्यादा चेंजेस करूँगा, और इसके पास ही मेरे जो खुद का वाला घर है उसकी डिज़ाइन का एक घर बनाऊंगा। तो गाइस उसके अंदर आपको पता चल जाएगा मेरा वाला घर भी कैसा दिखता है। तो गाइस ये वाला घर देखकर आप कमेंट करना कि आपको ये घर कैसा लगा, और लाइक कर देना। अगर आप GTA 5 के गेम्स देखना चाहते हैं, गेम प्ले वगैरह देखना चाहते हैं, तो गाइस मैं उस पर भी बहुत जल्द वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट करना कि आपको कौन से गेम पर वीडियो चाहिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।